पर्यटन नगरी मनाली के वशिष्ठ में बुधवार आधी रात करीब 3:45 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने से गांव में अफरा तफरी मच गई। आरा मशीन सहित 2 मंजिला मकान इस आगजनी की चपेट में आ गया। मकान में घास रखा था जो जलकर राख हो गया। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने पुलिस व स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पर्यटन नगरी मनाली के वशिष्ठ में 2 मंजिला मकान में आग लग गई। आधी रात को 2 मंजिला मकान में आग लगने से आरा मशीन भी जलकर राख हो गई है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार आधी रात 2:46 में वशिष्ठ गांव में आग लग गई। आग लगने से रूपदास पुत्र टेकराम व उनके बेटे भीमीराम व प्रीतम चंद को लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मनाली के अग्निशमन प्रभारी धनंजय शर्मा ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलते ही वो दलबल सहित मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस व ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। एसपी कुल्लू गौरव सिंह ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट होने की वजह से लगी है। इस आगजनी की घटना में 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सिटी चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट।